हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेश है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप हाउ टू ऐड फंड्स इन द एमपीए बैक ऑफिस विद द हेल्प ऑफ बीटीसी वॉलेट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने ऐड करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपका यूनिकॉइन वॉलेट में जो है INR बैलेंस होना चाहिए। INR बैलेंस, ये मेरा यूनिकॉइन अकाउंट है, बट आपके पास कोई और भी हो सकता है। ये मेरा बिटकॉइन वॉलेट है, तो आपके पास अगर कोई और है तो आप उसमें भी सेम ही प्रोसीजर होगा। लेआउट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बाकी आप देख सकते हैं। आपको अपने वॉलेट में डिपॉजिट करने होंगे INR, जो कि इंडियन करेंसी डिपॉजिट होनी चाहिए कुछ अमाउंट। तो मैंने ये पहले का कर रखे रखा है, BTC बाय करके रखा है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप कैसे इसमें ऐड करेंगे अपने बैंकिंग के थ्रू और ये कैसा शो होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये शो होता है यूनिकॉइन में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, आपके INR में आपको जो है बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। मैंने डेमो के लिए 1500 रुपये ऐड किया है इसमें INR अपने बिटकॉइन वॉलेट में। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा बाय करूँगा बिटकॉइन को, क्योंकि मेरे को बिटकॉइन में MPA में सेंड करना है BTC में। तो मैं इसको बाय करूँगा बिटकॉइन, जो मैंने यहाँ पर क्लिक किया बाय BTC पे। तो सेकेंड पॉइंट में आएगा, ये पेज खुलेगा आपके पास। यहाँ पर आपने टोटल अमाउंट अपना एंटर करना है। जैसे मेरे पास 1500 INR है, तो मैं 1500 के 1500 अमाउंट लगा के BTC बाय करना चाहता हूँ। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कम अमाउंट एंटर कर सकते हैं। मैंने 1500 करना है, तो मैंने का BTC लेना है, तो मैंने 1500 यहाँ पे एंटर किया। और ये आपको दिखा रहा है फ़ीस और ये टैक्स। जो फ़ीस है 15 रुपये फ़ीस और 2 रुपये टैक्स कटेगा। तो बेसिकली आप 1483 रुपये के अपने BTC परचेज होंगे, जो टोटल बन के हो गया 1500 रुपये, जो ये 1500 आप पे कर रहे हैं। तो बाय बिटकॉइन पे नाउ आप ये आप क्लिक करेंगे, ठीक है, हो गया। तो इसके बाद ये आपको पूछेगा कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि येस और नो, डू यू वांट टू बाय रियली और नॉट, येस और नो। तो आपने येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा ये यू हैव यू बॉट BTC ऑफ दिस अमाउंट सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक कर दिया तो अब हमारे पास जो 1500 रुपया वहाँ पर था हमारे पास, वो यहाँ पर जीरो दिखा रहा है। तो और ये बिटकॉइन वॉलेट में आ गया है, यूनिकॉइन वो वॉलेट में जो है आ गया है हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें सेंड करना है जो अपना BTC, ये BTC मैंने 1500 1700 जो भी है मेरे पास पड़ा हुआ, इसका मैंने MPA को सेंड करना है ताकि मैं शेयर परचेज कर सकूं, ठीक है। तो अभी हम अपना ओपन करेंगे MPA का अकाउंट। ये मैंने MPA में ऑलरेडी लॉगिन हूँ मैं, तो MPA में लॉगिन हुआ। अब जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे पहले यहाँ पे कर लो, चाहे यहाँ पे कर लो, बाय ऐड पैक पे करता हूँ मैं क्लिक, ठीक है। मेरे पास अभी 41 शेयर आई थिंक या 45 हैं, तो ये लोड हो रहा है। ओके, ये आपका बैनर जो है ये सेटअप होना चाहिए पहले का, तभी आप परचेज कर सकते हैं। ये अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे। ओके, तो लेट्स मूव। तो बाय एड पैक पे आप क्लिक करेंगे, आपने क्लिक किया बाय एड पैक पे। अब ये फर्स्ट एड पैक प्लान है, आपका कौन सा एड पैक प्लान है ये आपने देखना है। मेरा फर्स्ट है, तो मैं करूँगा परचेज पे क्लिक। ओके, तो अभी मेरे पास मैंने अपने बिटकॉइन वॉलेट से परचेज करना है, जो कि यहाँ पे है। तो मेरे को अभी यहाँ पे प्रोसेसर चूज़ करना पड़ेगा। ये प्लान नेम 1 है, 45 मेरे पास शेयर्स हैं, कॉस्ट $5 है एक शेयर की। तो मैं अभी अपने प्रोसेसर से परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया कॉइन पेमेंट से, क्योंकि मेरा कॉइन पेमेंट है, सभी ने कॉइन पेमेंट के थ्रू ही जा रहा है BTC में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना 2 शेयर लिखता हूँ मैं परचेज करने के लिए, ठीक है। एक्टिव एग्री किया इनकी टर्म्स को, और यहाँ पे मैंने पे नाउ कर दिया। जब मैंने पे नाउ पे क्लिक किया, ये बोल रहा है गेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपको, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट। तो ये इसने आपको ट्रांसफ़र कर दिया कॉइन पेमेंट के पेज पे। ये तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, मेरा फर्स्ट नेम उमेश, लास्ट नेम शर्मा, और ईमेल एड्रेस मेरा ये आ गया। तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे सबमिट करके उसके बाद आपने क्या करना है, ये दिखा रहा है प्राइस पर आइटम $10, क्वांटिटी 1, और ये आपको टोटल पड़ेगा $10 का। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को हम एग्री हूँ इससे में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है चूज़ योर कॉइन। अब ये दिखा रहा है ब्लू में, जब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये ग्रीन में हो जा रहा है। तो अभी जब जैसे ही ग्रीन होगा मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये टोटल पूरा ग्रीन हो गया अभी, तो मैं इस पर करूँगा कम्प्लीट चेकआउट पे क्लिक। जैसे ही मैंने कम्प्लीट चेकआउट पे क्लिक किया, ये आपको एक BTC का एड्रेस सेंड करेगा। ये देखिए, इसने आपको पहले सबसे पहले तो टाइमिंग दिया है 2 आवर्स इतने मिनट और इतने सेकंड में आपने ये कंप्लीट करना है ट्रांजेक्शन माई पेइंग गेट्स का 100%, ठीक है।
वेटिंग योर फंड्स, फ्रेंड्स के लिए वेट कर रहा है, तो इसको हमने फंड सेंड करने हैं। तो हम यहाँ से ये कर लेंगे कॉपी, $10 का हमारा जो फंड बनता है वो ये है जो हमने 2 शेयर लिखे हैं परचेस करने के लिए। तो सेंड करेंगे यहाँ पे आके, हम अपने यूनिकॉर्न वॉलेट पे आएंगे, सेंड एंड विड्रॉ बिटकॉइन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक पेज ओपन करेगा कि सेंड करो बिटकॉइंस, किसको करने हैं, एंटर एड्रेस। सबसे पहले हम, चलो मैंने BTC कॉपी करके रखा, तो मैं BTC पहले पेस्ट कर दिए यहाँ पे मैंने। उसके बाद मैंने ये कॉपी किया यहाँ से जो इसका एड्रेस था। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने इसका एड्रेस, कौन सा एड्रेस, जो बिटकॉइन कॉइन पेमेंट के पेज ने हमें एड्रेस दिया था, और ये BTC जो है ये हमने कॉपी करके यहाँ पे एड्रेस, बिटकॉइन का एड्रेस जो MPA का है, और यहाँ पे BTC का अमाउंट का एड्रेस लिख दिया जो 645 INR बन रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे मैसेज लिख दूंगा जस्ट टू कंफर्म, जस्ट टू इजी रीड करने के लिए, 2 शेयर्स, 2 more shares परचेस्ड फॉर MPA। ओके, जस्ट डेमो के लिए मैं आपको 2 शेयर्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेंड मनी। जैसे ही आपने सेंड मनी पे क्लिक किया, ये आपको बताएगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सेंड दिस मच टू BTC टू दिस एड्रेस, कौन से एड्रेस पे, ये वाले एड्रेस पे बोल रहा है, आप श्योर हैं सेंड करना चाहते हैं आप। तो मैंने कहा हाँ, तो ये OTP सेंड कर रहा है मेरे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे, अगर ट्रांजेक्शन फुलफिल करने के लिए। तो अपने OTP अपने मोबाइल नंबर पर चेक करना है, वन टाइम पासवर्ड होता है OTP। तो ये आपका पासवर्ड आया है मेरे पास 854332, जो कि 2-3 मिनट तक ही अवेलेबल रहता है। इसको आप जल्दी से करके यहाँ पे जो आपके मोबाइल पे आया होगा उसको डन कीजिए। डन कर दिया आपने, तो अभी हम, योर ट्रांजेक्शन इज सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग, यू कैन मॉनिटर इट्स स्टेटस थ्रू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री टेबल ऑन सेंड और रिसीव पेज। ओके, ये बोल रहा है आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब ऑन पेंडिंग में है, अप्रूवल में है लिखा हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके सेंड BTC के लिए इसको इस एड्रेस पे आपने सेंड किया हुआ है, व्यू कर सकते हैं अब यहाँ से। ठीक है, तो एक्शन है सेंड BTC टू एड्रेस, इस पे किया है, डेट अभी की है मैंने, BTC कितना अमाउंट का किया है, स्टेटस अप्रूवल पेंडिंग है, 2 more shares परचेज फॉर MPA। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे जाके अपने कॉइन पेमेंट पेज पे जाके क्या करूँगा, मैं जाऊँगा रिटर्न व्हेन यू कंप्लीट पेमेंट इज कंप्लीट, रिटर्न टू सेलर स्टोर, यहाँ पे क्लिक करूँगा सेलर स्टोर पे। तो ये क्या करेगा, ये मेरे को वापस ले जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर द पेमेंट, MPA के पेज पे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। अभी अगर मैं अपनी जीमेल ओपन करता हूँ, तो आपकी जीमेल में भी आपको मेल आई होगी कि आपने सक्सेसफुली जो है ऐड फंड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी देर के अंदर आपको शो हो जाएगा आपके बैक ऑफिस में, BTC के MPA के बैक ऑफिस में, और अमाउंट जो है सारा आप फिर और शेयर्स परचेज कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये सिंपल सा ट्यूटोरियल था कि कैसे आपने करना है। ये देखिए मेरे को मेल आई है, कॉइन पेमेंट न्यू पेमेंट सबमिटेड, इसमें मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ इसको। अभी मेरे कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है हेलो थैंक यू फॉर यूजिंग कॉइन पेमेंट डॉट नेट टू कंप्लीट योर चेकआउट दिस मच BTC टू दिस एड्रेस विद इन 3 आवर्स, मेक श्योर यू लीव एनफ टाइम टू गेट टू कन्फर्म द बॉर्डर लिमिट। तो 3 घंटे के अंदर बोल रहे हैं आपको जो है आपके BTC जो है वहाँ पे शो हो जाएंगे, और शेयर्स भी शो हो जाएंगे जो आपने परचेज किए हैं। ठीक है, तो ये है बस MPA में, इस तरह से आपने जो अपना एड फंड्स करने हैं बिटकॉइन के थ्रू, बिटकॉइन वॉलेट के थ्रू सेंड करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।